नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं बायोलॉजी के कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र चैप्टर से यूपी पीसीएस में पिछले 30 वर्षों के पूछे गए प्रश्न का टू द पॉइंट। तो देखिए, मानव शरीर में जल कितना होता है? तो शरीर के भार का लगभग 65%, मानव के शरीर के भार का लगभग 65% जल होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन होती है। मानव शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन होती है, 18.5% कार्बन होता है, हाइड्रोजन 9.5% होता है, नाइट्रोजन 3.2% होता है, कैल्शियम 1.5% होता है एवं फास्फोरस मात्र 1% होता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और कहां पाई जाती है? तो कान में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। अगला महत्वपूर्ण है कि मानव के शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है। पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती हैं। छठा कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है। सातवां महत्वपूर्ण कि 20 दांत दो बार निकलते हैं। आठवां कि मानव शरीर में पसलियों की जोड़ी होती है 12। मानव के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। नवा कि मानव खोपड़ी यानी कि स्कूल में 28 हड्डियां होती है। मानव की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। और कई बार प्रश्न पूछा है कि आर्थोप्लास्टिक क्या है? तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है। ग्यारहवां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्यारहवां डीएनए संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आनुवंशिकता चैप्टर से है, तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। एवं कुछ मात्रा माइटोकांड्रिया तथा हरित लवक में पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा डीएनए में उपस्थित बेस अर्थात क्षार चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडीनिन, नंबर 2 गुआनिन, नंबर 3 थायमिन और नंबर 4 साइटोसिन। तो डीएनए में उपस्थित क्षार अर्थात बेस चार प्रकार के होते हैं, और एडीनिन का थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंद होता है। तथा गुआनिन का साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंद होता है। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि देखिए, डीएनए की पहचान 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किंतु 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस किक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था। और 1962 में इसी कार्य हेतु जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक को
नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने किया था। और डीएनए के कार्य हैं, देखिए तीन महत्वपूर्ण, कि सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन, सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन डीएनए करता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन, जीन डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि डीएनए में ही आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए में ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थाई डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। तो एक पीसीएस में आए हुए प्रश्न थे, सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और मानव के शरीर में मसल्स कितने होते हैं, लगभग 600। मानव के शरीर में मसल्स लगभग 600 होते हैं, हड्डियां कितनी होती हैं, 206। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेफीज, और सबसे बड़ी हड्डी जांग की होती है जिसे फीमर कहा जाता है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।